पाए लागू बाबू जी। जीता रहे। एक बात बता, तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? हमारा ख्याल रखने के लिए है ना? है पाए लागू बाबू जी। अरे पाओ बाद में लगना, पहले हमारे लिए चाय बना के लाओ। जी अभी लाए। ओ भैया, ये कैंचे लेके क्या कर रहे हो? कुआं खोद रहेंगे, पानी निकला तो आधा तेरा आधा मेरा। ओ पानी से क्या फायदा, अब दारू निकलेगी तो फायदा है ना। अब तू यहाँ से निकल, वरना फायदा होने से पहले तेरा नुकसान कर दूंगा। दिमाग खराब मत करो मेरा, वैसे भी बहुत छोटा दिमाग हैंगे। अभी छोटा दिमाग कैसा? देखो बेटा, गुस्सा शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। वेद पुराण रामायण महाभारत सब में ऐसी ऐसी कहानियों का जिक्र है जहाँ गुस्से की वजह से बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी हो गई है। है। लेकिन आप यहाँ क्यों खड़े हो गए? आप देख नहीं रहेंगे हम कपड़ा काट रहेंगे? बेटा तुम कपड़ा काट रहे हो और मैं ज्ञान काट मतलब बांट रहा हूँ। अरे शाम तक ये कुर्ता तैयार नहीं हुआ तो वो ग्राहक मेरा कुर्ता फाड़ देगा, वो बहुत गुस्से वाले हैंगे। बहुत गुस्से वाला है? इस युग का दुर्वासा ऋषि है, तू जानता है दुर्वासा ऋषि कौन था? था। हाँ कौन था? टेलर था क्या? तेरी। अरे दुर्वासा सतयुग का सबसे गुस्से वाला ऋषि था, उसने भगवान गणेश को गुस्से में आके शाप दे दिया था, लेकिन भगवान गणेश ने खुद पे नियंत्रण रखा और आप अपने खांसी पर नियंत्रण रखिए, लेकिन हम खुद पर नियंत्रण नहीं रख पा रहेंगे। ये काम करिए, आप दोनों यहाँ बैठिए, हम खुद दुकान छोड़ के जाते हैं। अरे नहीं बेटा नहीं, तुम अपना काम करो, हम ही चले जाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा, गुस्से पे नियंत्रण करना सीखो। इतिहास साक्षी है कि बड़ी बड़ी खमीजे, बड़े बड़े कुर्ते, बड़े बड़े पैजामे विनम्रता से ही बने हैं। अब तू जानना चाहेगा कि मन को विनम्र कैसे रखा जाएगा? हाँ कैसे रखा जाएगा? दारू से? ओ काका। अबे गुड्डू क्या कर रहे हो यार, थोड़ा तेज पंखा चलो ना, धीरे धीरे ऐसे ऐसे क्यों चल रहे हो? भैया चला तो रहे हैं, आपके हाथ में मोटर लगवा लें। अच्छा एक काम करो, पंखे को होल्ड पे करो, सुत्ती लाल की दुकान पे जाओ, ठंडा लेके आओ, पापा कसम बहुत थर्स्टी फील कर रहे हैं। कब से कह रहे हो उधर छाए में चलिए, लेकिन आप। अरे यार गुड्डू समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो, यहाँ से एंगल सुरीली के घर का बिल्कुल सही है यार। और वैसे भी गुड्डू जब हम सुरीली को देखते हैं ना तो पापा कसम हमारे कलेजे के अंदर डीपली तक घुस के ठंडक पहुंच जाती है। और हमारा चेहरा जो काला पड़ रहा है उसका क्या? अभी तो अच्छा है ना, तुमको तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए बे, काला रंग अच्छा होता है, उससे नजर उतरती है गुड्डू। अच्छा गुड्डू अभी होल्ड पे रहो, हमें देखने दो। अबे क्या चल रहा है? अबे जी तो बोल। हाँ ठीक है जी। अरे कुछ नहीं चल रहा है, चलने वाला था, आप चल के बीच में आ गए। बेटा तुम्हें देखकर हमें मुगलिया सल्तनत के बेताज बादशाह तुर्रम खां की याद आ गई। ओ रियली? समय को बर्बाद करते करते एक दिन उसने अपनी पूरी सल्तनत ही बर्बाद कर दी। अच्छा पापा कसम हम भी किसी तुर्रम खां से कम नहीं है, क्यों वैसे सलार गुड्डू? शहंशाहे लापता गंज दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखिए अब समय पर बात चली है तो हमें समय पर एक कहानी याद आ गई। ये उस समय की बात है जब 12:40 का समय। एक मिनट गुड्डू, समय क्या हो रहा है बे? अरे यार बहुत ही खराब समय चल रहा है, हम अभी बहुत बिजी हैं, पापा कसम फिर कभी आपकी कहानी सुनेंगे। सांड रेलगाड़ी पर बैठे बैठे सुस्ताने का समय है तेरे पास, हमारी बात सुनने का समय नहीं। बोलो बे। है। हाँ, हमारी बात सुनने का समय नहीं है बेटा। देश और धर्म की प्राचीन कथाओं का सही अर्थ समझोगे तो जीवन जीने का सही मार्ग मिल जाएगा। समझा?
दद्दू आप प्राचीन प्राचीन कर रहे हैं और आजकल चीन का माल बिकता है, समझे कि नहीं? और वैसे दद्दू दुनिया जो है वो चांद तक पहुंच गई है और आप ये ओल्ड स्टोरीज लेके बैठे हुए हैं। आजकल ये ओल्ड स्टोरीज आउटडेटेड हो चुकी हैं और आप हैं कि पतंग उड़ा रहे हैं ओल्ड स्टोरीज की, ये कोई बात हुई? वो देखो भाई, अबे 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 कट गए बे। अरे तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? अरे मजाक नहीं उड़ा रहे, हम तो पतंग उड़ा रहे थे। नामाकुल नामाकुल? अबे नामाकुल क्या होता है भैया? जिसका नाम मुकुल हो। अरे तू रोता मेरी नजरों से, पर मेरी नजरों के सामने मत आना। अरे भाई आपकी नजरों के सामने कौन आ रहा है, आप ही हमारी नजरों के सामने आ जाते हैं। और पापा कसम अगली बार आइएगा तो प्लीज कहानी ना लेके आइएगा गुड्डू। अबे दूसरी लोकेशन डिसाइड करते हैं, लोकेशन थोड़ी बूढ़ी हो गई है। कुछ नहीं नामाकुल, गधे का बच्चा। बाबूजी आ गए का? हाँ आ गए। चाय पियेंगे? अरे सीढ़ी सही मुंह में फेंकोगी का? नहीं नहीं, नीचे आके कब से फेंकेंगे? बाबूली मजाक कर रहे बाबूजी, गुस्सा काय हो रहे हो? अगर इस घर में पिज्जी नजर आया तो का? तो का? तो हम चाय नहीं पियेंगे। तो अभी बनाए कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, अभी बना दो, हम कल की बात कर रहे हैं। ठीक है। का हुआ अभिजी से झगड़ा हुआ का? अरे वो हमसे का झगड़ा करेगा, उसे खींच के देंगे। अरे हमारे ज्ञान को कुछ समझता ही नहीं है। अरे हमने उसकी तरह अपनी जिंदगी समय गवा कर व्यर्थ नहीं की है। अरे गुस्सा छोड़िए ना बाबूजी, आराम से बैठिए और बोलो चाय में अदरक डाले कि नहीं। अदरक से याद आया कि एक बार भगवान शिव ने पार्वती को अदरक की चाय बनाने को कहा। हाय दया, उस वक्त चाय थी का? जो सुना रहे हैं सुनो। तो पार्वती के पास अदरक था नहीं, तो वो अदरक के पेड़ के पास गई। ये बहू कहाँ गई? जो पीली है। जिस दिन कम पीता हूँ उसी रात ज्यादा गिरता हूँ। शराब में भी बहुत ताकत होती है, इतनी छोटी बोतल इतने बड़े इंसान को टक देती है। बुरा ना मानो तो अब मैं कुछ कहूं। शराब में कोई ताकत नहीं होती, लेकिन नशे के लिए इंसान की कमजोरी ही उसे ताकतवर बनाती है। कौन बोल रहा है? शराब इंसान को दो तरह से गिराती है, एक तो जैसे तुम्हें गिरा दिया और दूसरा परिवार और समाज की नजरों में गिराती है। तुम्हारे सामने ही तो हूँ। कौन है? कौन है? क्या बोल रहा है? मैं पेड़ बोल रहा हूँ। अच्छे झूठे लगता है कोई ऊपर बैठा है और कहता है पेड़ बोल रहा हूँ। नहीं तो मैं ऊपर चढ़ता हूँ अभी। मैं ऊपर आता हूँ। आता हूँ मैं ऊपर। रुक अभी चढ़ता हूँ मैं। तू क्या ऊपर चढ़ेगा? तुझे तो पहले ही चढ़ी हुई है। बोला लेकिन लेकिन पेड़ बोलता कहाँ है? पेड़ तो सिर्फ फल देता है। मेरे पास फल नहीं है, हल है हर सवाल का। तो
मुंह कैसा था? कैसा छोड़, ये बता जब मुंह था किधर? हाँ, ऊपर टहनी पे था कि नीचे जमीन में? बोल, कितनी बार तुझसे कहा कि दारू पीना छोड़ दे? आज तुझसे पैर बोला, कल पहाड़ बोला। अरे भैया, अरे भैया, मैं आप लोग विश्वास क्यों नहीं करते? हम पी जरूर रखे थे, लेकिन पेड़ ने हमसे बोला कि बुरा ना मानो तो मैं तुझसे कुछ कहूँ। बुरा ना मानो तो हम कुछ कहें, धंधे का वक्त है, अब काम करने दो, चलो निकलो, चलो, 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 अरे चलो, भाई, चलो, 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 चलो। अरे भाई, काम तो पिताजी किया करते थे 24 घंटे। एक दिन में 24 घंटे? नहीं, पूरे साल में सिर्फ 24 घंटे काम किया करते थे। अब भाई तुम भी कुछ काम करो, चलो हमारे लिए चाय बनाओ, इसी में भलाई है। हाँ भाई बनाओ। अबे गुड्डू। हाँ भैया। पापा कसम, आज सदी का सबसे महान दिन है गुरु। क्या है भैया, आज आप पैदा थोड़े ही हुए हैं। अबे यार, हम पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए हैं कि बड़े भाई, मौसी और मामा आउट ऑफ हाउस हैं और सुरीली हाउस के अंदर अलोन है। अरे भैया, तो देर क्यों कर रहे, जल्दी। अबे 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 अबे, इधर सुनो, इधर रुको। बड़ा भाई, हालात ऐसे ना पैदा करो कि तुमको लात पड़ जाए। तुम जाके रेडी में बैठो, मामा और मौसी का ध्यान रखो, हम सुरीली के पास जाते हैं। सुरीले, कैसा लग रहा है? अरे भाई, हम झूले के बारे में पूछ रहे हैं, कैसा लग रहा है? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे एम्बेसडर चला रहे हो। सुरीली, पापा कसम, हमको भी बड़ा अच्छा लग रहा है। एक बार हमारी तुम्हारी मैरिज हो जाए ना, तो हम तुम्हारे लिए इससे बड़ा झूला लाएंगे। यार सुरीली, देखो, हम भी चाहते हैं कि हमारी तुम्हारी शादी आज ही हो जाए, अभी हो जाए, लेकिन क्या करें यार, तुम्हारी मायो और हमारा लाज है बीच में आ जाता है ना यार। ऐसे टेंशन ना लो, हम कोशिश कर रहे हैं। सुरीली, एक बात बोले, एक बार हम भी झूले में बैठना चाहते हैं। प्लीज यार, देखो यार, हम तुमको हमेशा झूले में झुलाते रहते हैं यार, एक बार तुम हमें झुलाओ ना, प्लीज। स्टॉप। ओहो, कोई बात नहीं। हाँ, झुलाओ। फिर से एक चक्कर लगाना पड़ेगा, याद नहीं दिला सकते थे छोटू? अरे दीदी, राशन लेने चली गई और पैसे घर भूल गई। हाँ हाँ, वैसे भूलते तो पिताजी थे। कहाँ भूलते थे? अरे कहाँ ना भूल जाते थे भाई, याद रहता तो हमें ना बताते। अब ये सोचो, पैसे कहाँ रखे हैं? मैंने तो तुम्हारे पास दिए थे। अरे हमारे पास कहाँ दिए थे दीदी, तुम्हारे पास थे कह रही हो। भूल गए का? टेंशन नॉट फ्रीली, तुम्हारा भी वक्त आएगा। तुम्हारी बारी आएगी, डोंट वरी। प्लीज कुछ ना कहो। सुरीली, पापा कसम, हमारा तो मन करता है कि बस हम जिंदगी भर ऐसे झूले में झूलते रहे और तुम हमको झूला झुलाती रहो यार। और तुम्हारी जो मायो और मामा है ना, वो 2-3 साल तक आए ही ना, और हम नॉन स्टॉप पैसे झूलते रहे। अरे 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 छोड़ दीजिए, अरे पापा का सब छोड़ दीजिए, अरे दलबो, अरे क्या कर रहे हो, भगवान के लिए छोड़ दो। अरे भगवान के लिए छोड़ देंगे तो हम क्या करेंगे? अरे पापा कसम, आज ये सदी का सबसे खराब दिन है, झूले से डायरेक्ट जूते और झाड़ू पे आ गए भाग में। क्या सुतीलाल? हाँ बाबूजी, जलेबी ताजी है। हाँ बाबूजी, खाइए खाइए, अभी अभी निकाले हैं। हाँ? शक्ल से तो लग रहा है जैसे कल निकाली थी। देखो सुतीलाल, मिठाई कोई आम चीज नहीं है, शास्त्रों में मिठाई को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। है, है, है। हमने भी दिया है बाबूजी, देखिए कितनी ऊपर रखी है। अबे सुतीलाल, अबे पानी पिलाओ, पिलाओ पिलाओ।
तुम्हारा ग्राहक कहीं से जूते खा के आ रहा है, है, है। अबे इनको कैसे पता कि हम जूते खा के आ रहे हैं? अबे जल्दी पानी पिलाओ, उससे पहले पानी की कहानी सुनाना शुरू कर दे भाई। लाओ बंदर के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है सुत्ती। लाल 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 बीन ही बेसुरी होगी तो सुनेगा कौन? हमको बेसुरा कहा बे? तो आपने भी हमको बंदर कहा ना। ओहो माफ करना बेटा, गलती हो गई। दरअसल तू बंदर नहीं, तू तो गधा है। पापा कसम ये बहुत गलत बात है, आप हर दो दो मिनट को अपना स्टेटमेंट बदल लेते हैं। पहले बंदर बोला, आप गधा बोला, गधा क्यों बोल रहे हैं? हमको बताइए ये। बेटा रूप बदलना कोई नई बात नहीं है, रामायण में भी रावण ने एक पल में राक्षस से साधु का रूप धरा था और सीता मैया को ले गया था। रामायण तो बड़ी है ना बेटा। गुरुजी हम सिर्फ ला पढ़ते हैं, वो भी डीपली घुस के पढ़ते हैं, और कोई पढ़ाई करना हमको अलाउ नहीं है। रही रामायण पढ़ने की बात, तो हमने पढ़ी नहीं, देखी है टीवी में। पढ़ी होती तो कम से कम अच्छे संस्कार तो मिलते। खैर अभी भी देर नहीं हुई है अभी। जी जी जी। कहते हैं जब रामायण में रावण सीता को हर के ले गया तो दुखी मन से राम लंका की तरफ निकल गए। अरे बिजी भी निकल गया बाबूजी। कोई बात नहीं, तू तो है। अबे पीके क्या हो बे? अरे क्या बताएं भैया, कोई हमारा विश्वास ही नहीं करता। अबे तो यार हमसे बोलो ना गुरु, हम तुम्हारे पास विश्वास करेंगे। करेंगे? हाँ भैया, कल रात को हम पी के जा रहे थे। अबे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो तुम रोज पीते हो, आगे बोलो। मतलब चलते चलते एक पेड़ के सामने हम गिर गए। अबे यार तो पेड़ के सामने तुम ही तो गिरोगे, तुमने पिए पेड़ ने थोड़ी ना पिए, गुरु के तुम्हारे सामने गिर जाएगा, आगे बोलो। बस वही तो बात है भैया, कि पेड़ पीता नहीं लेकिन बोलता जरूर है। अच्छा पेड़ बोलता है, आगे बोलो। अबे पीछे आना जरा, तुमने क्या बोला, पेड़ बोलता है? हाँ भैया, उसने हमसे बात की और उसने कहा कि उसके पास हर सवाल का जवाब है। पेड़ के पास हर क्वेश्चन के जवाब है? गुरु तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं है, लगता है तुमने देसी पी भी महंगी वाली, चलते वाय। भैया रुकिए, अरे भैया रुकिए, आप पापा कसम खाते हैं ना? हाँ खाते हैं। तो हाँ, क्यों खाते हैं? अरे भाई मन करता है इसलिए खाते हैं। नहीं, इसलिए कि आप अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं और हम भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, और उसी माँ के सौगंध खा के हम कहते हैं कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। गुरु हमको तो लगता है कि हमारे ही साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अबे सुबह गए तो मौसी पिट गए, यहाँ है तो ये कहते हैं कि पेड़ उनसे बात करता है। अब आइए आइए ना, आइए आइए ना। अबे आ रहे हैं यार, रुक। देखिए भैया ये वो पेड़, ये पेड़ है वो बड़े भाई, बड़ा ही खतरनाक पेड़ है। अब एक काम करते हैं पीके, पतली गली से निकल लेते हैं। भैया आप क्या कर रहे हैं, आप हमको भी डरा रहे हैं क्या? देखो ऐसा है, डर और दर्द आपस में शेयर करना चाहिए, है ना? जल्दी जो कुछ पूछना पूछो। अरे भैया हम क्या पूछेंगे, अब आज तक हम कोई प्रश्न किसी से किए हैं क्या? न पेड़ से न समाज से, आप ही कुछ पूछे ना भाई। पगला गए हो क्या, हम पूछे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सॉरी ज्यादा तेज चिल्ला दिए, ठीक है पूछ लेते हैं। हेलो पेड़ भाई, कैसे हैं? खड़े खड़े थक गए होंगे ना। गुड इवनिंग, माय सेल्फ बिजी पांडे, हम 10 साल से ला डीपली घुस के कर रहे हैं। देखिए हम नहीं, इन्होंने हमसे कहा है कि आपसे एक प्रश्न पूछें, तो हम इजी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि कल सुबह धूप होगी या बारिश होगी? अबे भैया लगता है कि बहुत आसान सवाल है ना, थोड़ा बुरा मान गए हैं पेड़ जी। अच्छा थोड़ा कुछ भारी पूछे ना। अच्छा तो पेड़ों को भी तो प्रॉब्लम है। अच्छा बड़ भाई आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन फेंकते हैं। अंग्रेजों के शासन के समय हमारे देश में कितने राज थे? बोलिए ना पेड़ जी। पापा कसम बहुत हो गया गुरु, इतनी देर से हमको यहाँ खड़ा कर रहे हो, हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, हम बिजी इंसान है मालूम है कि नहीं तुमको?
पापा कसम, अगर हम लॉयर बन गए होते तो तुमको मालूम है किस दफा कितने तुम्हारे पर केस करते हो? 522। बिल्कुल सही बोला गुरु। अरे भैया हम नहीं, ये पेड़ जी बोले। अरे भैया हम बोले ना दफा 522। नहीं, अंग्रेजी शासन के समय हमारे देश में लगभग छोटे बड़े 522 राज्य थे। सही है, बिल्कुल सही है यार। और कोई मुश्किल सवाल? ओके, अच्छा ये बताइए कि दफा 301 किस जुर्म पे लगता है? आत्महत्या करने की कोशिश में। अरे अबे पापा कसम, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया यार। हाँ ये तो ला भी कर चुके हैं गुरु। बड़ा भाई आप काला कोट पहनते हैं क्या? मेरे पास केवल ज्ञान है, कोई डिग्री नहीं है। और कोई मुश्किल सवाल? जी है, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आज तक कोई हमको दे ही नहीं पाया। कहिए तो हम आगे आपके पेश करें। अब पूछिए ना भैया। पूछ रहे हैं। अब सुनिए पेड़ भाई, क्या हमारी शादी सुरीली से होगी?